लैपटॉप खरीदें या डेस्कटॉप, इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है कि कोई स्टूडेंट है, चाहे वो 12वीं का एग्जाम कर दे रहा हो, चाहे वो 12वीं पढ़ रहा हो या फिर 10वीं पढ़ रहा हो, 7वीं पढ़ रहा हो, 6वीं पढ़ रहा हो, तो उसके लिए क्या सही है, यानी कि डेस्कटॉप पीसी सही है या फिर लैपटॉप, जब वो खरीदने जा रहे हैं तो उसके मन में डाउट ना हो, इसी टॉपिक पर वीडियो है। तो हम यहाँ पर पूरे पूरे 8 यहाँ पर कारण फैक्ट जो है रिसर्च करके रखे हुए हैं और उसी के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट को लैपटॉप खरीदना चाहिए या फिर डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर खरीदना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पहला बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी नीड क्या होती है। भाई स्टूडेंट की नीड होती है, पहला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट रिसर्च, जो उनका सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट को रिसर्च करना होता है, जो कि एक लैपटॉप बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसके लिए डेस्कटॉप की जो बड़ा सा डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो फुलफिलमेंट है वो हमारा लैपटॉप कर रहा है। तो पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिसर्च है, वो हो सकता है यहाँ से, यानी लैपटॉप से, तो हमें यहाँ पर डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि ऑनलाइन कोर्स का बहुत लोग बोलते हैं, भाई मुझे ऑनलाइन कोर्स करना होता है, ऑनलाइन कोर्स में वीडियो देखना होता है, तो इसके लिए कौन सा मतलब मुझे लेना चाहिए डिवाइस, लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप लेना चाहिए। मैं बोलूंगा ऑनलाइन कोर्स देखना है ना, तो लैपटॉप फुलफिलमेंट कर देता है, यहां पर डेस्कटॉप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ ले सकते हैं, लेकिन जब लैपटॉप से आपका काम हो जा रहा है तो भारी भरकम डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैपटॉप के फायदे ये है कि आप उसको कहीं दूसरी जगह जाकर, जैसे मान लीजिए कि आप गार्डन में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन अगर आपको कोर्स करना है, अगर आप छत पर बैठ कर रहे हो तो आप नीचे रूम में ले जा सकते हो। लेकिन अब क्या है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते, लेकिन लैपटॉप को ले जा सकते हो। तो दूसरा क्या है कि ऑनलाइन कोर्स के हिसाब से भी लैपटॉप बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। तीसरा ये है कि YouTube वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना होता है। आजकल YouTube पता है, YouTube दुनिया में जो है दूसरे नंबर का सर्च इंजन है और टॉप लेवल पर वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और YouTube पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो होते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो YouTube वीडियो देखना भी हो तो जो हमारा लैपटॉप है वो काफी बेस्ट है कंपेरिजन टू डेस्कटॉप, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप को मैंने बता दिया है कि आप मतलब ये जो यूट्यूब वीडियो है वो आप इजीली अपने लैपटॉप पर देख सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। और डेस्कटॉप में क्या है कि डेस्कटॉप बहुत बड़ा हो जाएगा यूट्यूब देखने के लिए, क्योंकि यूट्यूब के लिए डाटा भी कम लगता है, एंड यहाँ पर जो यूट्यूब वीडियो है आपको वो चलता है ऐप में, मोबाइल में ऐप में चलता है, लैपटॉप में जो है वेबसाइट पर चलता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर कि आपको डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे में जो है आप लैपटॉप को ही प्रेफर करेंगे। चौथा, अभी मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आपके लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए, जो ये सारी फुलफिलमेंट हो रही है, आपके लैपटॉप में क्या ऐसा हो जिससे आप लोग को एक बेस्ट लैपटॉप लगे, ठीक है। चौथा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका करना है, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, तो आप जो भी चीजें सीखना चाहते हो वो सब कुछ आपके लैपटॉप से ही हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी की जरूरत नहीं है। छठा क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में प्रेजेंटेशन जो है रेडी करके देना होता है, प्रेजेंटेशन आप जो है एमएस ऑफिस पर जो पावर पॉइंट है उस पर आप कर सकते हो, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑनलाइन जो है गूगल का भी कई सारे जो है, गूगल का पीपीटी होता है, पीपीटी सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन होता है, जिसको आप आसानी से लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपका जो लैपटॉप है वो परफेक्ट है, यानी कि डेस्कटॉप की जरूरत नहीं होगी, आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां क्या है कि वेबसाइट विजिट करना है, कई सारी वेबसाइट होती हैं जिस पर आपके जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट विजिट करने के लिए तो सिंपल सा लैपटॉप ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो लैपटॉप दे रहा हूँ, मतलब जो रिकमेंड करने वाला हूँ, उस पर आप इससे भी कई सारे ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करने के लिए तो मतलब सिंपल सा लैपटॉप वो भी चलेगा, लेकिन अगर लैपटॉप में उतनी क्षमता नहीं होगी तो बार बार जो वेबसाइट है वो लोड नहीं कर पाएगा अच्छे से और आपका लैपटॉप जो है हैंग करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट कितने जीबी रैम वाला लैपटॉप और कितना क्या कुछ होना चाहिए। आठवां जो है कोडिंग, आजकल ना लोग जो है कोडिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई कोडिंग करना है तो कोडिंग के लिए लैपटॉप खरीदें या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदें। सो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, देखिए कोडिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कोडिंग के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आपको जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, या फिर जो है सी का इंस्टॉल करना होता है, या फिर सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल बेसिक, एंड इसी तरीके का एंड्रॉयड स्टूडियो, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है हैवी होते हैं और इसको इंस्टॉल करना होता है। तो
आप लोग के मन में संशय होता है भाई लैपटॉप लेंगे तो उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप जो मैं आपको बताने वाला हूं वो लैपटॉप में ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो हो, भारी भरकम सॉफ्टवेयर हो, ये सब कुछ चलने वाला है। ठीक है, ये जो मैंने आपको 8 चीजें बताई, सब्जेक्ट रिसर्च, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन रेडी, वेबसाइट विजिट, कोडिंग सीखना, ये सब कुछ एक लैपटॉप कर देता है। और ये सब कुछ आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी रूम में जाकर सीख सकते हो, रूम के बाहर सीख सकते हो, छत पर सीख सकते हो, स्कूल में अगर जरूरत हो या फिर कैंपस में जाकर आपको सीखना हो तो सीख सकते हो। मेरे ख्याल से जो लैपटॉप है वो बेस्ट रहेगा स्टूडेंट के लिए, जो लोग खरीदना चाहते हैं और कन्फ्यूजन जिनके मन में है कि लैपटॉप खरीदें कि डेस्कटॉप खरीदें। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कुछ चीज और, जैसे कि लोगों के मन में सवाल होता है भाई लैपटॉप में रैम कितना होना चाहिए जो ये सारा काम कर सके। भाई लैपटॉप में, अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है, अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है, ये सभी काम कर सकते हो। कोडिंग का सभी सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा और बाकी सभी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, मल्टीटास्किंग लैपटॉप, आपको 8 GB रैम बहुत है। ठीक है, एंड यहां पर जो बात कर रहे हैं कि जैसे प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो कम से कम 2.5 से 3, ठीक है, गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर वाला अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो बहुत ही बेस्ट है, इससे आपको काफी अच्छा स्पीड मिलती है। डुअल कोर आपका जो लैपटॉप है वो डुअल कोर होना चाहिए एंड सिंगल कोर नहीं होना चाहिए। डुअल कोर अगर लैपटॉप है तो ये सारा काम हो सकता है। आपके लैपटॉप में कम से कम 512 MB का SSD होना चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो, इससे काफी स्पीड मिलती है और आपके लैपटॉप की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और आपको भी अच्छा लगता है, काम करने में मजा आता है। क्योंकि जब लैपटॉप में स्पीड मिले तो आपको हर चीज काम करने में मजा आएगा। अगर कोई भी लैपटॉप हो अगर उसमें स्पीड ना हो तो वो मजा नहीं आता और उसमें जो है आपको इरिटेटिंग लगता है। ठीक है, तो कम से कम 512 MB का SSD स्टोरेज आपके लैपटॉप में होना चाहिए। 1 TB का हार्ड डिस्क है तो ऐसे में आपका लैपटॉप बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड से चलेगा। और वेबकैम भी रख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको वीडियो कॉलिंग करना हो, व्हाट्सएप चलाना हो तो वेबकैम कर सकते हैं, या सारी चीजें जो है गूगल ड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेब कैम तो आजकल सभी लैपटॉप में होते ही है। बैटरी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि कम से कम 8 घंटे तक चले। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे रिक्वायरमेंट है, ये आपको 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर मिल जाएगा, 50,000 में भी मिल जाएगा। जो लोग सस्ते लैपटॉप के लिए मतलब सोचते हैं तो 50,000, कम से कम आप 50,000 लगाएंगे तो आपको बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा। और इससे ज्यादा अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम में जाएंगे तो फिर आपको उतनी जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है लैपटॉप लेने के लिए कि 8 GB रैम एंड प्रोसेसर कम से कम 3 GHz का हो, डुअल कोर हो, 512 MB SSD हो, तो ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, मतलब जो है 50,000 से नीचे जाएंगे तो। हाँ, अगर आपको सस्ते में जाना है तो डेस्कटॉप ले सकते हैं, फिर वही बोलूंगा कि मतलब 50,000 से नीचे में अगर ये सारे फीचर्स चाहिए तो आपको कंप्यूटर को लेना खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और आप लोग को आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा कि भाई स्टूडेंट लोगों को लैपटॉप खरीदना चाहिए या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर PC लेना चाहिए। तो यहां पर जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताया है उसके बिहेव आप जो है लैपटॉप को ले सकते हैं और इसे यहां पर कहीं भी आपको मतलब एक तरह से निगेटिव पॉइंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मतलब स्टूडेंट के पर्पज से होता है वो सब कुछ आपको लैपटॉप दे रहा है। तो यहां पर डेस्कटॉप पर स्विच करने का कोई मतलब ही नहीं होता, एक ही कारण है कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप डेस्कटॉप ले सकते हैं, क्योंकि 50,000 से 60,000 रुपए में जो ये सब कुछ क्षमता वाला लैपटॉप आप खरीदेंगे तो उसी 50,000 से 60,000 रुपए में आप जो है इससे डबल क्षमता का आप जो है अपना कंप्यूटर बनवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह का वीडियो के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए या फिर इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।